Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं इंजीनियर महफूज आलम, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम गैबियन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गैबियन स्ट्रक्चर का यूज हम ज्यादातर रिवर, डैम या फिर सॉइल के प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। बेसिकली कहीं पे हमारा सॉइल में इरोजन हो रहा हो तो उसके प्रोटेक्शन में हम इसका यूज करते हैं, गैबियन स्ट्रक्चर का। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो हमारी रिवर होती है या फिर कहीं पे हमारा सी पोर्ट होता है वहां पे इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज ज्यादातर किया जाता है, जो कि सॉइल के इरोजन को रोकने में काफी हेल्प करती है। और इसे हम रोड वर्क में, ड्रेनेज वर्क में या फिर कलवर्ट के अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में यूज करते हैं, ताकि जो हमारी कलवर्ट से जो पानी फ्लो होती है उसमें जो हमारी इरोजन आती है सॉइल में, उसे प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। या फिर वैसी जगह जहाँ पे पानी के कारण उस जगह में सॉइल का इरोजन हो रहा हो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर का यूज हम कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम बोल्डर और वायर मेस का यूज करते हैं और इसमें हम वायर की बॉक्स बनाकर इसमें बोल्डर को फिल कर देते हैं। और वायर की जो डाया होती है वो 4 mm की होती है और ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है। और इस मेस की साइज 100 mm by 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मेस में जो होल होती है इसकी साइज 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो हम बोल्डर फिल करते हैं और उसमें जो बोल्डर की जो साइज होती है वो 200 mm होनी चाहिए। और गैबियन स्ट्रक्चर को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। हमारे पास कोई एरिया है जिसकी लेंथ आपके पास 10 meter है और इसकी विड्थ 4 meter है और इसकी हाइट अपने पास दी हुई है 3 meter। तो इसमें अपने को क्या बनाना है, गैबियन स्ट्रक्चर। तो गैबियन स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसे 3 parts में फिल करेंगे। सबसे पहला जो रहेगा, इसकी लेंथ रहेगी अपने पास 10 मीटर की और इसकी विड्थ रहेगी 4 मीटर और इसकी हाइट रहेगी अपने पास 1 मीटर। सेकंड इसी तरीके से हमारा दूसरा स्टेप बनेगा और थर्ड स्टेप भी इसी तरीके से बनेगा। यानी इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने को इसमें 3 parts में कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसा कि इसके पार्ट से समझ में आ रहा है, अपने को इसकी हाइट जो रखनी है वो 1.25 meter से ज्यादा नहीं रखनी है और इसकी जो मेजरमेंट हम करते हैं वो करते हैं क्यूबिक मीटर में। और इस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज हम रिटेनिंग वॉल में भी करते हैं। तो ये तो थी गैबियन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन अगर आप इस तरह की और जानकारी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी आपके लिए लेके आया हुआ है हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स, जिसमें किसी भी रोड प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे पहले जो किसी भी रोड को बनाना होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसका सर्वे का पार्ट। इससे लेकर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के एंडिंग पॉइंट और किसी भी प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट होता है उसके बिलिंग का पॉइंट, तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक की ओवरऑल जानकारी दी गई है आपको इस कोर्स में। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। और इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 34,000 rupees। लेकिन फर्स्ट 100 इंजीनियर जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ये कोर्स सिर्फ मात्र 8,847 rupees में मिलेगा और इसकी वैलिडिटी 730 दिन तक रहेगी आपकी। और इसी के साथ आपको मिलता है इसमें लाइव डाउट सेशन, कि किसी भी कोर्स रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आ रही है आपको तो इस डाउट सेशन में अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपके साइट से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स आ रही है तो आप इस डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।